3, 2, 1. में गूगल में हमें यहाँ टाइप करना है EPFO, तो EPFO लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद हमारे सामने एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, जिसे का पहला लिंक आ गया है, जिसके नीचे लिखा है www.epfindia.gov.in। तो इस पहली वेबसाइट पर हमें क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। और ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ कोने में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज में नीचे आने के बाद दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयज़, हमें इस पर क्लिक कर देना है। फॉर एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है, और यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें सर्विसेज आती है। सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इसमें से हमें पहला ऑप्शन चूज़ करना है जो जिसमें लिखा है मेंबर पासबुक। और इस मेंबर पासबुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है, जिस पर यहाँ पर हमें हमारा 12 अंकों का जो UN नंबर है वो डालना है, और जो हमने UN नंबर रजिस्टर किया है उसका पासवर्ड यहाँ पर डालना है। यदि आपने UN रजिस्टर नहीं किया है तो UN नंबर रजिस्टर कैसे होता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो आप देखकर UN रजिस्टर नंबर कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो 5 अंकों का कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपना फटाफट यहाँ पर ये सब डाल के और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कुछ इसकी पासबुक ओपन हो जाती है, और यहाँ पर ये जो इसका लिंक है डाउनलोड का आ जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये हमारी पासबुक आ जाती है। इस पासबुक पर आने के बाद आप यहाँ से भी इसे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ इसे प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंडो है ये जो पासबुक हो रही है इस पर अभी नेट पर शो हो रही है, इसमें यहाँ पर टोटल नहीं दिखाया है, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो अभी डाउनलोड पर क्लिक करने में डाउनलोड हुई वाली पासबुक कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें, तब देखिए कि इसमें ये सारी जानकारी बताता है कि कब आपका कितना PF कटा है और कितना PF अभी तक आपका अकाउंट में जमा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे कि ये छठवें महीने 2017 में 828 रुपये कटे थे, और जो कंपनी तरफ से मिलाए गए वो दो टुकड़ों में दो भाग में पैसे मिलाए जाते हैं, जो कि 253 रुपये और 575 रुपये, ये दो भागों में यहाँ पर मिलाया गया है। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर हमें जो PF का पैसा है वो कितना मिलता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर आप साफ सुथरी मैं बता देता हूँ कि आप जब PF निकालते हैं तो यदि आप 9 साल 6 महीने के अंदर यदि PF निकालते हैं, ड्यूटी छोड़ देते हैं जहाँ पर अभी कर रहे हैं, और 9 साल 6 महीने के पहले आप अपना PF निकालता है, तो आपका ये जो टोटल है ये तीनों कॉलम का टोटल जो है वो पूरा PF आपका पूरा पैसा निकलता है। मतलब कि जो नियोक्ता शेयर में जो पैसा डला है वो भी, पेंशन अंशदान में भी, और जो जमा में है वो भी, निकासी। तो अभी यहाँ पर निकासी खाली दिखाएगा यदि हमने नहीं निकाला है तो। और फिर यदि एक सवाल ये उठता है कि यदि 9 साल 6 महीने से ज़्यादा यदि हमारी सर्विस हो गई है तो कितना पैसा निकलता है। तो 9 साल 6 महीने की यदि सर्विस हो गई है तो ये जो पेंशन अंशदान का जो पैसा है, जो ये पैसा है, ये पेंशन अंशदान में चला जाता है। मतलब कि ये EPF की जगह हमारी पेंशन की जो पॉलिसी होती है उसमें चला जाता है। तो ये पैसा हम फिर इसके बाद नहीं निकाल सकते, ये निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, इन्हीं कंडीशन में हम ये पैसा निकाल सकते हैं। बाकी बचा हुआ ये जो दो कॉलम का टोटल आता है, ये दो कॉलम के टोटल का पैसा हम EPF से निकाल सकते हैं, और EPF इन दो कॉलम का जो टोटल होता है इसके ऊपर हमें ब्याज भी प्रोवाइड करती है, 8.67% का ब्याज भी प्रोवाइड करती है, जो कि कोई भी बैंक और कोई भी जो है शाखा अभी हाल फिलहाल में हमें ब्याज प्रोवाइड नहीं करती है। सबसे ज़्यादा PF का पैसा हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कितना पैसा हमारा कटता है, कब कितना कटा है। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, जैसे अभी 1 तारीख 2018 में जो कटा हुआ है तो 764 रुपये आपके जो पेमेंट है जो उसमें से कटा है, और जो 233 और 531 रुपये है ये नियोक्ता द्वारा कंपनी से मिलाया हुआ पैसा है। तो आपके द्वारा जो पैसा कटता है वो पैसा इन कॉलम में आता है, इस कॉलम में कटे हुए पैसे आपके आते हैं, और जो नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है, कंपनी द्वारा जो हमें जमा किया जाता है, वो इन दो कॉलम में इनकी डिटेल होती है। लेकिन ये जो तीनों कॉलम की जो टोटल आता है ये टोटल हमारा पूरा पैसा है, और ये पूरा पैसा हमें ही मिलता है। एक ये पेंशन के रूप में चला जाता है यदि हमने 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस दी है तो, और ये जो पैसा है ये हम कभी भी निकाल सकते हैं। इसके भी निकालने के कुछ कंडीशंस है, यदि हम जॉब हमारी चालू है इस कंडीशन में निकालना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम है इसके,
और यदि हम चाहते हैं, हमने जॉब छोड़ दिया है, तो हम इसका पैसा जॉब छोड़ने से 2 महीने बाद कभी भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।